दोस्तों, एक कामयाब इंसान और नाकाम इंसान अपने खाली समय में क्या कर रहा होता है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उन दोनों के बीच अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, यही डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो एक कामयाब आदमी किस तरह से अपने खाली समय का इस्तेमाल करता है, यह उससे भी बेहतर सवाल है कि आप खुद को पहले से बेहतर बनाने के लिए अपने खाली समय में क्या क्या काम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे काम बताऊंगा जिन्हें आप तब तक कर सकते हो जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, बिना किसी डिले डायरेक्ट आते हैं हम काम की बात पर। नंबर 1, किसी अलग तरह की जगह पर जाकर इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो। हम में से बहुत से लोग अक्सर अपनी जिंदगी को हर रोज एक ही तरह से जीते हैं। हम लोग हर रोज उसी जगह पर वही काम बार बार करने के लिए जाते हैं और वो भी सेम रास्ते से होकर। हम एक ही तरह के लोगों से हर दिन मिलते हैं और वही टीवी सीरियल्स हम रोज देखते हैं। इस तरह से हम खुद को एक लिमिट में रख देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया में हमारे सर्कल के बाहर क्या हो रहा है। हमें अपनी छोटी सी दुनिया में ही रहने की आदत हो जाती है और हम उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। तो अगली बार जब भी आप खाली हो तो बाहर जाकर किसी नई जगह पर घूमने की कोशिश करो, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपके सर्कल के बाहर की दुनिया कैसी है। इससे आपको अपने काम को बेहतर तरह से करने के नए तरीके भी मिल सकते हैं। आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं जिन्हें आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आपको पता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के कई देशों में गए और उन्होंने हर देश की अच्छी बातों को और अच्छे लॉज को लिया और उसे मिलाकर अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस तरह से अलग अलग जगहों पर जाकर वो उस समय के हिसाब से एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। इंस्पिरेशन लेने के लिए और अपने काम को पहले से बेहतर तरीके से कर पाने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलकर दूसरी जगह पर जाना होगा। और अगर आप खाली हो तो ये काम करना आपके लिए आसान होगा। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे देश में जाओ, लेकिन आप अपने शहर के उस कोने में तो जा ही सकते हो जहां आप पहले कभी नहीं गए। शायद एक रेस्टोरेंट या फिर एक म्यूजियम या एक पार्क जहां आप आज तक नहीं गए। इस तरह से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। जब आप किसी काम को सीख लेते हो तो उसका एक अपना ही सुकून होता है। आपको अंदर से एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि आपने कुछ हासिल कर लिया। अब चाहे वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो, एक लैंग्वेज हो या फिर कोई एक ऐसी स्किल जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छे पैसे कमा सको। अगर आप खाली हो तो क्यों ना एक नई स्किल सीखकर अपनी वैल्यू को बढ़ाया जाए। आप चाहो तो स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाकर ही कुछ सीखो। आप यूट्यूब के जरिए काफी कुछ फ्री में सीख सकते हो। साथ ही कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। आप वहां कई तरह के स्किल सीख सकते हो। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लो है। तो आप अपने खाली समय में फेसबुक ना यूज कर अपनी इंग्लिश को क्यों नहीं सुधारते? आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश कर सकते हो। आप खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करो और देखो कि आप बोलते वक्त कैसे दिखते हो। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किसी फेमस पब्लिक स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज से कंपेयर करके ये देखो कि आप कहां पर सुधार कर सकते हो। अपने कंधों को, अपने सिर को या फिर अपने हाथों को सही पोजीशन में कैसे रखना चाहिए। तो आप कोई भी एक ऐसी नई स्किल सीखो जो कि आपको आगे ले जा सके। नंबर 3, नेटवर्क एंड मीट न्यू पीपल। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में कहा कि बहुत से लोग अपने सारी उम्र सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ बिता देते हैं और बाहर नहीं निकलते। इस तरह से आप खुद को कैद कर लेते हो और आपको नए आइडियाज और नए लोग नहीं मिल पाते। अगर आप खाली हो तो आप कहीं बाहर जाकर नए दोस्त बनाओ और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। आप सेमिनार्स में जाओ, आप सेशंस में जाओ, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करो या फिर उन लोगों से मिलने की कोशिश करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। नए लोगों से मिलने का अपना ही फायदा है। अगर आपके कॉन्टेक्ट में अलग अलग तरह के लोग होंगे तो आपको सब कुछ सीखने की जरूरत या जानने की जरूरत नहीं होगी। आप उनसे कॉन्टेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हो। आप समय पड़ने पर उनकी हेल्प ले सकते हो। एक समझदार आदमी वो नहीं होता जो सब कुछ जानता हो। एक समझदार आदमी वो होता है जो ये जानता हो कि जरूरत पड़ने पर कहां से सही जानकारी हासिल की जा सके। यही बात थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड का एग्जांपल देते हुए समझाई थी। आपने देखा होगा कि कामयाब लोग हमेशा दूसरे कामयाब लोगों के साथ ही रहते हैं। इस तरह से वो कामयाब बने रहते हैं। मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो अगर आप खाली हो तो नए और बेहतर दोस्त बनो। नंबर 4, एक्सरसाइज। फेमस ऑथर निकोलस नसीम तालेब ने अपने बुक एंटी फ्रेजाइल में फ्रेजाइल और एंटी फ्रेजाइल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वो चीजें जिन पर प्रेशर पड़े तो वो टूट जाती है, और एंटी फ्रेजाइल का मतलब वो चीजें जिन पर प्रेशर पड़े तो वो और मजबूत हो जाती है। हमारी बॉडी और हमारा माइंड एंटी फ्रेजाइल है। आप इन पर प्रेशर डालोगे तो ये मजबूत होते जाएंगे, और अगर आप इन पर प्रेशर नहीं डालोगे तो ये कमजोर हो जाएंगे। अगर आप 1 साल तक लगातार रोज सुबह उठकर अपने टीवी को एक डंडा मारोगे तो 1 साल तो नहीं, शायद पहले ही बार में आपकी टीवी टूट जाएगी। लेकिन अगर आप 1 साल तक रोज खुद को डंडा मारोगे तो 1 साल के बाद आपको वो असर नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद को डंडे मारना शुरू कर दो। ठीक इसका उल्टा, अगर आप 1 साल तक अपनी टीवी को संभाल कर रखो और उसे बिल्कुल इस्तेमाल मत करो तो एकदम नई हालत में बनी रहेगी। लेकिन अगर आप 1 साल तक कुछ काम नहीं करते हो
आप सिर्फ अपने बेड पर लेटकर खाना खाते हो, सो जाते हो, तो एक साल के बाद आप काम करने लायक ही नहीं रहोगे। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको उससे काम करवाना ही होगा। एक्सरसाइज करने से सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि माइंड भी अच्छा काम करता है, इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। नंबर 5, रीड बुक्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक किताब को बस देखने के लिए उठाते हो और फिर कुछ ही देर बाद ना जाने कैसे एक घंटा बीत जाता है और आप आधी किताब पढ़ डालते हो और इसके बाद भी आपका उस किताब को रखने का मन नहीं करता। अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका पाला कभी भी किसी अच्छी किताब से नहीं पढ़ा। और अगर आपके साथ ये हुआ है तो आपको पता लग ही गया होगा कि किताबों को बेस्ट फ्रेंड्स क्यों कहा जाता है। हम सभी पहले से बेहतर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पहले से अच्छे पैसे कमाएं, हम पहले से अच्छा काम करें, और जब तक आप खुद को अंदर से पहले से बेहतर नहीं बनाते तब तक आप बाहर से बेहतर नहीं बन सकते। और खुद सबसे अच्छे तरीकों में से एक तरीका है किताबें पढ़ना। अगर आप खाली हो तो अपने टाइम को इससे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। एक किताब हमें किसी कामयाब इंसान की पूरी जिंदगी का संघर्ष कुछ ही घंटों में बता देती है। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ रहे हो तो उस किताब को पढ़ते वक्त आप एक कामयाब आदमी के दिमाग में चले जाते हो और उसकी कामयाबी के सारे राज जान जाते हो। आप उसकी जिंदगी के उन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में जानते हो जिसने उसकी जिंदगी पर असर डाला। अगर आप एक अच्छी नॉवेल पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि आप खुद एक कैरेक्टर बन गए और जो कुछ भी उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है वो आपके साथ होता हुआ महसूस होगा। इस तरह से आप नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। तो अगर आप खाली हो तो टाइम वेस्ट करने की जगह अपने टाइम को इन्वेस्ट करो किताबें पढ़कर। और आपको पता ही है कि मैं बुक्स का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर इंसान बुक्स पढ़े, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ने लगेंगे, खुद को एजुकेट करने लगेंगे तो हम बेहतर बनेंगे। जब हम बेहतर बनेंगे तो हमारा परिवार, हमारा शहर, हमारा देश बेहतर बनेगा। इंडिया में ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती और ये कोई बुरी बात नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी में भाषण देते हैं। जब आप दुनिया के फेमस ऑथर्स की बुक पढ़ने के लिए सोचोगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि ज्यादातर बुक्स हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ। पहला, फाइंड इंस्पायरेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी किसी अलग तरह के जगह पर जाकर इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो। देखो, जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं, तो अलग जगह पर जाओगे नहीं, तब तक आप कुछ नया सोच नहीं पाओगे। तो आपको बाहर निकलना चाहिए। सेकंड है, लर्न सम स्किल्स। आपके जितने भी स्किल्स हैं इंडिया में देखते हैं, उनके आप स्टोरी को लर्न करिए, जितने भी स्किल पीपल हैं आपके, ठीक है। अब आता है थर्ड, तीसरा, नेटवर्क एंड मीट न्यू पीपल। आपको नए व्यक्तियों से मिलना चाहिए, ठीक है। आप अपने इस दूसरे स्टेज पे जाकर नए व्यक्तियों से मिल सकते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेज, अब आपकी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की कि हमसे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, लोगों से बात नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक की जगह आप टाइम निकाल कर उस इंग्लिश को आप स्पोकन इंग्लिश पढ़कर इंग्लिश की तैयारी या बोलने की क्षमता या बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फेसबुक कम चलाइए और इसको ज़्यादा यूज करिए। अब बात ये चौथे की, डू रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों, आपको एक्सरसाइज डेली करना है, यानी कि जिम को बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है दोस्तों, आपके बॉडी में होता है, आपके माइंड में होता है। तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है। अब आती है फिफ्थ, यानी पांचवें की, रीड बुक्स। आज के दोस्तों फ्यूचर या कल्चर में देखते हैं, जितने भी प्रेजेंट टाइम यानी कि फ्यूचर हमारे युवा जो नवयुवा हैं वो सभी मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं। बुक्स कोई नहीं लेता, बुक्स कोई नहीं उठाता, यूट्यूब खोलते हैं, फटाफट टाइप करते हैं। डेफिनेटली आपका यूट्यूब बहुत ही हेल्प करता है, बट आपको बुक्स की रीड करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप स्टोरी पढ़ के एक बार देखिए, आप देखेंगे कोई बुक्स एक डेढ़ घंटे निकल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप बुक्स को रीड करिए, वो आपकी स्टोरी माइंड में कनेक्ट कर जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, स्टडी एवरीडे विद विजय सर। और मैं विजय जायसवाल दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं और आपको एक्सरसाइज भी करवाता हूं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, लाइक और अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको एक अलग मोटिवेशन मिल सके दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।